यहाँ से जो फर्स्ट वाला सेक्शन है हम मिलेट वाले सेक्शन से यहाँ से एंटर करेंगे। ये चंबा चूक है, पालमपुर में लगाया था इससे पहले, तो वहाँ पे हमें प्राइज भी मिला, उस वजह से हम लोग इसको स्प्राउट कर पाते हैं। हिमाचली जो कल्चर है इसमें पूरा झलक रहा है। यहाँ पे जैसे आए हैं तो हमने यहाँ पे जैसे ये मिलेट्स की हमने थोड़ा सा जैसे ग्रोइंग करके भी बताया है कि हमारे पास जैसे इस टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास चार वेराइटीज उपलब्ध हैं। जैसे आप इसका प्रचार किया है और सिखाया भी है उनको, और तो इसको चीना बोलते हैं, चीना बोलते हैं। हाँ जी, ये हमारा शौक है, इसको जिंगोरा बोलते हैं, सांबा भी बोलते हैं। जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, रागी की टी है, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालता है। ये आपका गोलगप्पा हो गया, कोदे का आटा है इसमें, सिर्फ कोदे का आटा है। जो हमारी टिक्की बनी है वो कोदरे की है, कोदरे की लस्सी भी बनी है। इसमें चटनी है, हरी चटनी, सूखी लाल मिर्च, काफी बढ़िया। अभी तो मुझे सुगंध भी आ रही है। थैंक यू सो मच सभी का। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश द्वारा हमें बुलाया गया है, तो सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। जो इस टाइप की ग्रेन क्रॉप है उनको ये काट के लाइन बना के ये रखती जाती है। देसी है सब कुछ, ये मोटर के एरो में यूरिया की ताकत होती है, ये नाइट्रोजन फिक्स करती है। अपने कीड़ा मकोड़ा आता है वो अंदर ना आ पाए, वो जो आएगा इसमें खुशबू होती है और धनिया और ये साइड में गेंदा, जो भी इसमें से अंदर नहीं आ पाएगा। अपनी खेती में ऑर्गेनिक वे से फसलें उगा सकते हो, हालांकि अभी फर्टिलाइजर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट हमें ऑर्गेनिक वे से यहाँ पे फसलें उगानी चाहिए। हम भी बस आटा छोड़ के बस मिलेट के ऊपर चढ़ने जा रहे हैं, है ना, चाहने तो चाहने। हमारी टॉटेड है, ये हमारा फोक्सटेल मिलेट है, गुच्छी है, ये कुक्ड गुच्छी है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है ये 6 महीने से 18 महीने तक, अगर आप इसको ओपन नहीं करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको जो है सेम डे इसको कंज्यूम करना है। इसका यूजेस जो है मतलब वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली था, और उसके बाद देन अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट में, तो आज बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिल रहा है। जैसे लोग या बच्चे आते हैं कहते हैं कि पानी है पीने के लिए कि नहीं है, तो उनके लिए रखा हुआ ये याद आ गई। एक्चुअली घर में भी मदर जो है काफी ज्यादा काफी दिनों के बाद देखा, और बरसात में काफी आटे की सही है, ये आटे की सही है, गलत के आटे की सही है, इसी के कारण खा ही लेना फिर याद आ जाएगी आपको। वैसे सारे प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, पर इसकी खास कर ये ऊपर मिलती है पहाड़ों में, लिंगड़, लिंगड़ बोलते हैं, लिंगड़, लिंगड़, लिंगड़ बोलते हैं, हां लिंगड़ बोलते हैं, हां जैसे बोलो लिंगड़ होता है। कोरोना काल में ज्यादा चला था ये, अच्छा ये व्हाट इज दिस थिंग्स एंड इट बिकम्स वेरी यमी एंड इट्स फेमस ऑल ओवर एंड या यस यस वी आर मेकिंग पकोड़ास बेसन साग मेथी हल्दी मिर्च और ये जो ग्रीन चिल्ली ओनियन पोटैटो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रजत ट्रैवलॉग। अरे यार, आप हिमाचल नहीं आए तो आई थिंक अभी जो है आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। और ये जून का मंथ है, 19 जून है 2023 का टाइम है, मंडे का टाइम है, और यहाँ पे लगा हुआ है फेयर, यानी कि हिमाचल फेयर के नाम से भी आप जान सकते हो। और आज जो है हम आपको फेयर टूरिज्म बताने वाले हैं धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अभी मेला लगा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, कांगड़ा वैली कार्निवाल के नाम से 2023 का ये मेला है, बहुत ही प्यार से ये मेला मनाया जा रहा है। और अभी का इसमें खास ये है कि यहाँ पे निफ्ट क्राफ्ट का ये लग चुका है, स्टॉल लग चुका है, और मिलेट का जो कि हिमाचल के ट्रेडिशनल अनाज है, जो पारंपरिक खेती की जाती है, कहीं ना कहीं खोती हुई नज़र आ रही है, उन चीज़ों के बारे में ये मेला यहाँ पे लगाया गया है। और कांगड़ा वैली को संजोने और संवारने के लिए भी ये मेला यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो आ सकते हो। और ये जो नाइट प्रोग्राम थे, वैसे तो मैंने पहले ही आपको बता देना था, बट ये नाइट प्रोग्राम जो है स्टार्ट हुआ है 16 से 19 तक, यानी कि मेला 15 से 30 तारीख तक, ये 30 जून तक यहाँ पे चलने वाला है। और आज लास्ट इवनिंग नाइट है, ज़रूर आइए और विज़िट कीजिए यार इसको, लास्ट नाइट को। आज आने वाले हैं यहाँ पे ईशान भारद्वाज जी, जो कि पहाड़ी सिंगर है और बहुत ही पॉपुलैरिटी में जो है अभी वो उभर भी रहे हैं,
और उभर भी चुके हैं। और साथ ही साथ बात की जाए तो बैंड आने वाला है, एक बॉलीवुड बैंड, तो लीजिए नज़ारे। चार नाइट एक आरो साइड आप देख सकते हो यार, एरिया बहुत ही रौनक यहाँ पे लगी है। तो ये समर फेस्टिवल के नाम से यहाँ पे चलाया जाता था, बट यहाँ के अभी जो है कांगड़ा वैली कार्निवाल के नाम से ये चलाया जा रहा है। ये इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ न्यू चेंजेस भी है, बट जो कल्चर है कहीं ना कहीं उसको संवारने और संजोने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो सामने झूले भी लगे हुए हैं यार, स्विमिंग पूल भी लगा हुआ है, और यही वैली की शान है, कांगड़ा वैली की शान। आप हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अभी आ सकते हो 30 तारीख तक, जो कि हमने पहले भी बोल दिया लगा हुआ है। तो ज़रूर अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें रजत ट्रैवलो के नाम से, और लाइक से और कमेंट अपने करना ना भूले। आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और पिंटरेस्ट में, और वेबसाइट में भी आप हमें फॉलो जरूर कर सकते हैं, विजिट जरूर करें वर्डप्रेस और ब्लॉगर में। तो दिखाते हैं आपको मेले का पूरा व्यू, अगर कुछ चीज़ें हमसे छूट भी जाए तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मेले के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेला। अभी प्रेपरेशंस चली हुई है क्योंकि पिछले कल यहाँ पे बारिश हुई थी, आज 19th of June है। तो सारा व्यू अभी हम मिलेट्स वाले सेक्शन में भी चलते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे निफ्ट क्राफ्ट का एक यहाँ पे स्टॉल जो एग्जीबिशन है वो भी लगाया गया, उसको भी बताते हैं। एंड स्टे ट्यून विद रजत ट्रैवलॉग। सर आपका रणजीत सिंह कहाँ से हो? रणजीत सिंह मैं यहीं धर्मशाला से। तो मेले का एंजॉय करने आए हो? बस ऐसे देखने आए हैं, क्योंकि तो बारिश ने बड़ा तंग कर रखा पिछले कल, बारिश ज्यादा हुई। हाँ जी जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे नाइट प्रोग्राम भी हो रहा है? तो बड़ी अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे कल्चर दिखाया जाता है। तो क्या क्या घूमा आपने अभी तक? मैं तो बस अभी देख रहा हूँ, दिन में तो इतना होता नहीं कोई भी यहाँ पे। अच्छा, ये मिलेट वाला सेक्शन अभी लग गया हुआ है, इसमें क्या कुछ नया है वो भी हमें बताएंगे, क्योंकि ये पारंपरिक चीजें कहीं ना कहीं खोती जा रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखा ये वाला? हाँ ठीक है, वैसे बढ़िया देखा था, बढ़िया बहुत बढ़िया वैसे था। तो टोटल मिला के आप एंजॉय कर रहे हो? अब बस देखने आए हो कि क्या कहने हो, जब मैं पर्यावरण के बारे में ज्यादा देखता हूँ। एनवायरमेंट जी हवा होंगे तो जैसे कोई भूकंप आ जाता है, भूकंप ऐसी है वो बिना बुलाए आ जाता है, तो आ जाए तो अगर हम देखेंगे तो बिल्डिंगें गिर जाती, तो बिल्डिंगें गिरने से ऐसा होता कि उसमें तो फिर बिल्डिंगें गिरेंगी तो वहाँ पे सांप भी तैयार होंगे जी जी, और पेड़ होंगे तो पेड़ की छाया में तो हम बैठ सकते हैं, उड़ सकते हैं, दिन काट सकते हैं, मगर ये जो बिल्डिंग है ये तो बड़ी ओवर कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा की बेथा। मैं तो इसमें चिंतित रहता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ, अभी थोड़े दिन में मैं एक और चीज़ तैयार कर रहा हूँ, हो सकता है सरकार के लिए और यानी कि पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छी है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला सेक्शन है हम मिलेट वाले सेक्शन से यहाँ से एंटर करेंगे, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कांगड़ा द्वारा यहाँ पे एक ये लगाया गया है, यहाँ पे मड हाउस बनाया गया है, उसको भी हम दिखाते हैं। तो देन जुड़े रहिए रजत ट्रैवलॉग से, और देखिए ये सारा दोस्तों मिलेट वाला सेक्शन है सारा, आप देख रहे हो पीछे वाली साइड, और पूरा स्टॉल लगा हुआ है, यानी कि हिमाचल के जितने भी मिलेट या मोटे अनाज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो पूछते हैं इनसे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तेज कपूर है, मैं चंबा वैली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से, डिस्ट्रिक्ट चंबा से आया हूँ जी। ये प्रोडक्ट आपने खुद ही? हाँ, ये एकदम थोड़ा सा बैठी का आपने? जी जी जी। ये हमारे अपने होममेड प्रोडक्ट है जी, घर में बने हुए, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसमें, कोई केमिकल ऐड नहीं है, और ये जो है मोटे क्या चीज़ है? ये चंबा चूक है, चंबा चूक के नाम से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये केमिकल चंबा चूक की याद भी आ जाती है, और ये केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल ऐड नहीं है सर। और ये हनी है, ये किसानों से लिए हुए हम लोगों ने कलेक्ट किया हुआ, और हम जो इसका पैकिंग करते हैं जी। और ये जो है कोतरा बोलते हैं इसको, हम कोतरा हमारी भाषा में कोतरा बोलते हैं, वैसे कोदा बोलते हैं। हाँ कोदा है, कोतरा है, रागी है, वो बोलते हैं। तो ये हार्वेस्ट कैसे कैसे करते हैं थोड़ा बताएंगे प्रोसेस? ये आजकल तो मिलना बड़ा मुश्किल हो गया सर, पहाड़ों में दो दो तीन तीन किलो मिलता है, बड़े दूर दूर से ला के लेकर लाना पड़ता है, तब जाके हम कलेक्ट करते हैं इसको, फिर पिसवाते हैं ग्राहक से, चक्की देश पंच की होती है पिसवाते हैं, और हम पैक करके बेचते हैं। ओके धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
तो फिलहाल पीछे वाला जो सेक्शन था वैसे डिस्ट्रिक्ट चंबा का था और यहाँ पे मिलेट टी भी बनाई जाती है और टी के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग जायकों का जो है आपको हिमाचल कल्चर का यहाँ पे सब कुछ जितने भी चीज़ें पारंपरिक चीज़ें भोजन से संबंधित थी वो खाने और देखने के लिए मिल जाएगी। तो नेक्स्ट रोड पे हम करते हैं। नमस्ते मैम। हाँ जी सर, मेरा नाम राज शर्मा है। मैं उन्ना से हूँ। उन्ना से? हाँ जी सर। तो आपने कौन कौन से प्रोडक्ट लाए हैं? हाँ जी सर, हमने रागी के बिस्किट लेके आए हैं और रागी के लड्डू है, बट चाय तो खत्म होगी रागी की। मिलेट्स मोटे अनाज का जो पहला स्टोर हूँ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इसके बारे में भी कुछ बताएंगे या जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी सर, जैसे हम पहले खाते थे, पुराने ज़माने में खाते थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सर अब हमारे जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि इसके बारे में हमें बच्चों को भी सभी को खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बीमारियों से बचना है तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम अरीना। आप भी उन्ना से? डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो उसको बताइए क्या क्या आपने यहाँ पे आइटम रखी है? सर ये मिलेट्स की है। कौन सी थी? रागी की। अच्छा जी। और ये इसमें रागी की पिंडड़ी, चाट पिंडड़ी। वाह, ये कैसे कैसे बनाते हो आप इसको? इसको पानी में बुके पानी में ऐसे घोलना पड़ता है और मतलब एक बार बताएंगे तो। अच्छा, ये वाला बोल जी जी। और ये आप मसाला वगैरह एक इसके लिए यूज़ करो? ये चाट के लिए, चाट के लिए। अच्छा, चाय के साथ ही? नहीं, चाय अलग से है। अच्छा। इसके साथ ये है शक्कर का पानी। शक्कर का पानी, एक बार दोबारा से बताएंगे क्या है ये? ये कि सर पिंदड़ी, चाट पिंदड़ी। पिंदड़ी, चाट पिंदड़ी, तो ये मिक्स करके हम गुड़ के साथ इसको खाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और आप मैम? अच्छा, इन्हीं के साथ कैसा लग रहा है मिलने में? बढ़िया। हाँ मैम बताइए, आप प्रोडक्ट बताइए। ये वाला प्रोडक्ट? हाँ जी सर, ये रागी के बिस्किट हैं जी जी, जो हमने बनाए हैं जी। हम ग्रुप में बनाते हैं सर जी। हमारे एक ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हाँ जी सर। तो हमने लड्डू बनाए हैं। ये वाले लड्डू एक बार आप खोल के दिखाएंगे? बिल्कुल, देखिए सर। वाह, लड्डू देख के तो मुंह में पानी आ गया। हाँ जी सर, टेस्ट कीजिए। ठीक है, बाकी मटेरियल क्या क्या यूज करते हो आप? हाँ जी सर, इसमें रागी है, इसमें शक्कर है, देसी घी है और ड्राई फ्रूट है। हाँ जी सर, सारा राजी। हाँ जी सर। तो कैसा लगता है इन प्रोडक्ट को तैयार करना, अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशनल फूड? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो इससे पहले आपने मिलेट वाला लगाया ऐसा नहीं लगा? हाँ जी सर, अभी हमने पालमपुर में लगाया था इससे पहले, तो वहाँ पे हमें प्राइज भी मिला। रैंडम में? आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी करते होंगे? हाँ जी सर। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सर। तो ये इन्होंने कूलर रखा है, देखिए यार आप देश की मिट्टी को छूने और जो चाय पीने का जो है आपको मौका भी यहाँ पे मिल रहा है। तो ये था स्टॉल डिस्ट्रिक्ट उन्ना का, और ये मैम है चंबा से, और मैम उन्ना से, आप भी चंबा से? अच्छा सर, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम राहुल सक्सेना है। तो बताइए अपने बारे में भी और स्टॉल के बारे में, आइटम के बारे। हम लोग एक छोटे से एंटरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम बैक टू बेसिक्स नेचुरली LLP है। हम लोग पालमपुर के पास से बिलोंग करते हैं और वहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोगों का फोकस जो इस समय बहुत डिस्ट्रैक्टेड है उससे थोड़ा हेल्थ की ओर लाएं, और हेल्थ में जो चीज़ें हमारे भोजन में से जा चुकी हैं उनको वापस पेश भी करें और उसके बारे में जानकारी भी बढ़ाएं। तो खासकर फाइबर और फर्मेंटेड फूड्स, स्प्राउटेड फूड्स, हमारे पुराने जैसे गढ़िया रोटियां बनाते थे वो वैसी वाली चीज़ें, या कांजी जैसे स्प्राउटेड ड्रिंक्स बनते थे, इस तरीके की चीज़ों को दिखाएंगे भी आप साथ साथ में। जी ज़रूर 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 ज़रूर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग एक पूरी रेंज लाए हैं ऐसे भोजनों की जिनमें फाइबर अधिक था, लेकिन आधुनिकता के चक्कर में
और केवल सफ़ेद खाने के चक्कर में हमने चावल और सफ़ेद कणक की रोटी के ऊपर हमने अपना पूरा भोजन फोकस कर दिया। तो अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें लाए हैं जिनमें फाइबर भी है और कई उसमें से हम सिर्फ बहुत थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं या रिपैकेज करते हैं, कई ऐसी हैं जो हम लोग थोड़ा ज़्यादा रेडी टू ईट तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास किस्म की जौ की वैरायटी है, ये जौ को नंगा जौ बोलते हैं और अंग्रेज़ी में नेकेड बार्ले कहते हैं। तो नंगा जौ जो है वो आम जौ की तरह इसमें छिलका नहीं होता है, उसकी वजह से इसकी पिसाई आसान होती है और इसको प्रोसेस करना आसान होता है। उस वजह से हम लोग इसको स्प्राउट कर पाते हैं और स्प्राउट करने से इसमें जो विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है। इसमें फाइबर बहुत होता है तो बार्ले धीरे धीरे पचता है और शुगर धीरे धीरे आपकी बढ़ती है, जिससे मोटापा भी दूर होता है। और लगातार खाने से, ये नहीं है एक बार हफ्ते में खा लेंगे तो कुछ हो जाएगा, लगातार खाने से मोटापा दूर रहता है और डायबिटिक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा अनाज है। तो फाइनली अब मेरा लास्ट में आपका ये रहेगा कि ये सारे प्रोडक्ट जो है आप ए टू जेड थोड़ा सा जल्दी करके बता देंगे हमें? हाँ ज़रूर ज़रूर। तो हम लोग लाए हैं इसी बार्ले से, इसी जौ से बना हुआ ये मुरमुरे हैं नंगे जौ के, अंकुरित करके इनको सेंधा नमक में भून लिया जाता है। तो ये स्नैक भी है और ये आप सूप में या करी में डाल करके भी खा सकते हैं। इसी जौ से बनी हुई नमकीन है जिसमें जौ के अलावा मूंगफली, चना वगैरह ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। कोई भी रिफाइंड चीज़ हम लोग नहीं इस्तेमाल करते अपने किसी भी प्रोडक्ट में। प्राइस कितना है सर? इसका प्राइस है यहाँ पे 150 रुपया डिस्काउंट पे मिल रहा है, 150 रुपया 250 ग्राम का। और ये जो बार्ले का पैकेट है अंकुरित जौ का, ये 150 रुपये का 450 ग्राम है। ये दोनों हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले आइटम्स हैं और हम लोग रोज़ इसका स्टॉक हमें मंगवाना पड़ रहा है पालमपुर से। ये सारे स्टॉक है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये वाला है? जी बिल्कुल, ये पूरा ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें ये कर सकते हो। और अमेजोन फ्लिपकार्ट में हो आप? हम लोग व्हाट्सएप पे हैं, ये नंबर अगर लोग सेव कर लें और व्हाट्सएप चैट पे जो एक शॉप का आइकॉन आता है वो आइकॉन को अगर हम लोग दबाएँ तो हमारा पूरा कैटलॉग उसमें खुल जाएगा। आप उसमें सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स देख सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऑर्डर हमारे तक पहुंच जाएगा। हम धर्मशाला एरिया में डिलीवरी अभी शुरू करने वाले हैं और कुछ स्टोर्स में हम लोग अभी बातचीत चल रही है, हम लोग कुछ स्टोर्स में भी अभी जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। तो फिलहाल ये जितने भी स्टॉल है यहाँ पे मिलेट के, ये सारे अलग अलग किस्मों के हैं यार। अभी मिलेट टी के बारे में भी हमने आपको बताया और बहुत ही अच्छा है, जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर आए इस मेले में। 30 तारीख तक ये चलने वाला है और अपनी जो पारंपरिक चीज़ें हैं वो खोती जा रही है उनके बारे में ज़रूर जाने। और यहीं पर है छोटा सा मड हाउस, ये मड हाउस है काफ़ी प्यारा, ट्रेडिशनल वे से ये बनाया गया है। अभी हिमाचली जो कल्चर है इसमें पूरा झलक रहा है, तो फर्स्ट डे से ये शान यहाँ पर बनी हुई है। आगे मिलेट फूड फेस्टिवल का यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है और सेल्फी पॉइंट में आप सेल्फी भी ले सकते हो। तो हम बताते हैं इसको एंड स्टे ट्यून विद रजत ट्रैवलॉग। नाम शशि कामता है जी, आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट कहाँ से हो वैसे? मैम बेसिकली मैं यहाँ पे SMS धर्मशाला हूँ, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट धर्मशाला। तो मैम मड हाउस के बारे में बताएंगे? ये मड हाउस हमने जो ये थीम किया है जैसे कि बैक टू रूट्स, कि जो मिलेट्स हैं वो हमारे पूर्वज भी अच्छी खाते थे और वो स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे, तो हमारा भी मेन मोटिव यही है कि लोग इस तरफ आएँ कि हमारे पूर्वज कैसे जीवन व्यतीत करते थे, वो मिलेट्स खाते थे और वो मिलेट्स की रेसिपीज बनाते थे। तो हमारा यही मेन अट्रैक्शन ये था कि हम लोगों को अट्रैक्ट करें मिलेट्स की तरफ, ताकि वो मतलब ये भी देखें, एक मड हाउस का पूरा जीवन भी देखें और हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, हमारी सभ्यता संस्कृति कैसी थी, जो वो ये सारी चीज़ें देखें और फिर उसके बाद वो मिलेट्स का
पूरा भरपूर आनंद लें। हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमने स्टॉल्स बुलाए हैं डिफरेंट जगह से, जैसे चंबा से आए हैं, मंडी से आए हैं, बैजनाथ से आए हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज हैं, उसको वो इंजॉय करें और मड हाउस का भी मज़ा लें। यहाँ पे जैसे आए हैं तो हमने यहाँ पे जैसे ये मिलेट्स की हमने थोड़े सा जैसे ग्रोइंग करके भी बताया कि हमारे पास जैसे इस टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास चार वेराइटीज़ उपलब्ध हैं, जैसे आप कोडो मिलेट है, ये लिटिल मिलेट है, ये फिंगर मिलेट है और वो बाजरा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे थोड़ा सा उगाने की भी कोशिश की है कि बताया है, और हमने थोड़ा सा ये रखी भी हैं थोड़े से स्कल्पचर वगैरह की, ताकि लोग देखें कि कैसे रह रहे हैं। तो हमने ये पूरा गांव का एक जीवन व्यतीत बताया है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। नमस्ते मैम, तो बताइए अपने बारे में और अपने स्टॉल के बारे में भी हमें बताइए। तो आपको मेरा नमस्कार, मेरा नाम विमला है और मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, और हमारा जो मेन मकसद है लोगों को जागरूक करने का काम है, और हमारे जो पारंपरिक खान पान है जो हमारे बुजुर्ग खाया करते थे, तो हम लोगों को बता रहे हैं कि पहले हमारे अनाज ऐसे हुआ करते थे। एक बार दिखाएंगे भी साथ साथ, कोई ना सर। और सर आपका नाम? सर मेरा नाम विनोद कुमार है। मंडी से? फ्रॉम मंडी से हूँ। प्रॉपर मंडी से हो कि मंडी में कहाँ जैसे? सर मंडी सिटी से ही है, इंदिरा मार्केट के पास में ही है हमारे घर, और मैडम जी का 10-12 किलोमीटर दूर में है राजगढ़ में। ग्रुप में कितने बंदे हो आप? सर ग्रुप में मेरे 10 लेडीज हैं, और ऐसे तो मैंने देखो पूरे हिमाचल में लेडीजों को इसका प्रचार किया है और सिखाया भी है उनको, और तो बता भी रहे हैं, हम गांव में जाकर भी बता रहे हैं कि इसका खान पान कैसे बनाएं, इसका क्या बनाएं, बच्चों को कैसे खिलाएं। तो मैंने उगाने के लिए भी दिए थे, देखो ये हमारे अनाज है। तो मैम दिखाइए भी आप, हम एक एक आइटम नाम भी बताइए क्योंकि हमें भी ज़्यादा पता नहीं। हाँ जी, ये सर प्रोसो मिलेट है, तो इसको चीना बोलते हैं। चीना बोलते हैं? हाँ जी, ये हमारा सौंक है, इसको जिंगोरा बोलते हैं, सांबा भी बोलते हैं। ये हमारा बिट्टू है, सरियारा, इसको सरियारा बोलते हैं, और सर इसमें सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी है इसमें। विटामिन सी? हाँ जी, और ये खून की कमी को पूरा करता है। और ये हमारा बाजरा है, ये वाला बाजरा। हाँ जी, ये हमारा फिंगर मिलेट है, ये हमारा ज्वार है, ये वाला ज्वार है। हाँ जी, ये वाला ज्वार है। तो हमारा मकसद जो है, ये वाला कौन सा आइटम है? कौन सा आगे, 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 ये वाला? ये एक अल्लाह बारिश हुई, हमारे बीज ही भीग गए। अच्छा, भीग गए। ये सर बाजरा है, ये सर यही है बाजरा। और ये बोरी में क्या है? छोटे वाले बोरी में सर। हाँ जी, ये कोदरे का आटा है, और ये जौ का आटा है, और ये बाजरे का आटा है, ये ज्वार है सर। ये सारे आपने मतलब सभी ग्रुप वालों ने अच्छा सर। ये फ्रूट की चटनी है, मैं गांव में बांटे हुए हैं, फ्रूट्स डले हुए सर इसमें सारे। हां जी, ये स्पाइस चटनी हमने बनाई है, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपने? हां जी, हां जी, हां जी, ड्राई सारे फल है इसमें, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, और प्लम हो गया, खुमानी हो गया। वैसे भी चटनी होगा मौसम है। हां जी, आम ज्यादा होते हैं। और बाकी ये मैम ने लड्डू बनाए हैं सर, ये रागी के लड्डू हैं, और ये जौ के लड्डू हैं, ये बाजरे के लड्डू हैं, बाकी मिलेट टी बनाई है जो इस तरह की है। मिलेट टी में आपने मिक्स कर दिया? हाँ जी, इसमें रागी है और देसी घी है और काजू बादाम अखरोट है, और इसमें जौ का आटा है। इसकी तासीर थोड़ी ठंडी है, तो इसमें हमने आजकल गर्मियों का सीजन है, तो हमने इसमें जौ का आटा और कोदो मिलेट मिक्स किया है सर, और इसमें रागी पाउडर है, और ये सर हम मोमोज बना रहे हैं, रागी के मोमोज। रागी के आपकी शो में तो काफ़ी सारी आइटम है, ये तो मतलब कितनी आइटम होगी लगभग? काफ़ी सर, सर हमने पूरा जो 4 दिन का ये था, तो हमने अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए, उसमें हमने ज्वार की खिचड़ी बनाई, सौंफ का चावल बनाया, हलवा बनाया, और दलिया बनाया, और खीर भी बनाई थी रामदाने की, और रोटी वगैरह भी बना रहे हैं साथ में। हाँ जी सर, तो कुल मिला के मेरा लास्ट यही रहेगा, क्या आपका मैसेज रहेगा आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उनके लिए? और मिलेट्स हमारे लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी है, और ये प्रोटेक्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन जो चीज़ है। जी सर, आने वाले वक्त में देखो बच्चे हमारे जो है, हमारे आगे आने वाले वक्त के कर्णधार है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें और इन अनाजों को खाएं और उगाएं भी, और इसी का हमारा मकसद है कि और लोगों तक भी इस अनाजों का अनाज पहुंचे और लोग उगाएं और इनको खाएं और स्वस्थ रहें सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाय मैम, नमस्ते, कैसा लग रहा है काम करके? क्या बना रहे हो? मोमोज बना रहे हैं हम। मोमोज बना रहे हो? पौधा के मोमोज बना रहे हैं? पौधे के मोमो बना रहे हैं। अच्छा, स्वाद है, यम्मी।
सब जने हमारे स्टॉल में आओ ट्राई करके जाए, खा के जाए, चाय पी लो सर। ओके मैम, बहुत बहुत थैंक यू। ना ना, चाय पी के जाओ आप, देख लिया। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये वाला बताइए। ये सर रागी की टी है, ये इस तरह की है। आप टेस्ट करके देखिए आप कैसा है। इसमें देसी घी, ड्राई फ्रूट्स और रागी सब कुछ डाला है। ये हेल्थ टी है। चलो टेस्ट कर लेते हैं। ये वाली रागी की टी है और स्टॉल टोटल मिला के यहाँ पे बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, मतलब इस स्टॉल में एक बात तो ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट मंडी से ही है, भाई साहब भी डिस्ट्रिक्ट मंडी से ही है, और यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी आइटम लाई है क्योंकि बहुत सारी आइटम है, इन्होंने बता भी दी है। और ये रागी की टी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालता है, तो इन्होंने टेस्ट करने के लिए दी और बहुत ही अच्छी ये टी है। और आप भी मिलेट का एंजॉय कीजिए। और आप कॉन्टैक्ट नंबर बताइए अपना, अगर आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करना हो या कोई भी आइटम करनी हो तो एक बार बताएंगे आप। 9899 7303 0 3 0 7 8 7 6 0 2 3 4 6 4 0 0 ओके थैंक यू मैम थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, खास बात यह है कि मिलेट की खास बात है, इन्होंने जो ये ढूंढने बनाया, यानी कि जो ये छोटी छोटी कटोरी बनाई है, ये कटोरी है, टोर के पत्ते बोला जाता है इन्हें ना, तो ये सबसे खास बात है। हिमाचली धाम में चाहे कांगड़ी धाम की बात की जाए, चाहे मंडियाली धाम की, चाहे किसी भी टाइप की धाम की, तो इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे एक तो रोज़गार मिल जाएगा और दूसरा ऐसा है कि एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाती है। तो ज़रूर हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप खाना खाएं या कहीं पे भी जाए, तो ये जो पत्थर है ना, पत्थर दिख रहे हैं हरे हरे पत्थर, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। इनको ज़रूर यूज़ करें और प्लास्टिक का यूज़ जो है अवॉइड करें। क्या कहना है भाई आपका इनके बारे में? अच्छा, ये भी आपने खुद ही लाया जंगल से? हाँ जी। अच्छा, जंगल से मिल जाते हैं इजीली? जंगल से मिल जाते हैं। अच्छा सर, बढ़िया है। तो आपका टोटल मिला के ये वाली आइटम भी इन्होंने कराई। ये लड्डू कौन से बोले थे? ये सर रागी के लड्डू हैं और बाजरे के जौ। रागी, बाजरा और जौ। तो आइए यार, खाइए। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर अभी हम शेयर कर देंगे, आप वीडियोज़ में देखते रहिएगा, बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोहन। तो बताइए अपने स्टोर के बारे में, कौन कौन सी आइटम आपने यहाँ पे रखी हुई? सर पहले नंबर गोलगप्पा है। हाँ जी, मतलब खुद ही आपने? हाँ जी हाँ जी, ए टू जेड खुद ही। खुद ही सबसे पहले मैदा इसमें यूज होता है? नहीं, वो मिले गोदरे का आटा। गोदरे का आटा दिखाएंगे भी आप साथ में? हाँ जी हाँ जी, दिखाते हुए। ये आपका गोलगप्पा हो गया, पौधे का आटा है इसमें, सिर्फ पौधे का आटा है। का आटे का। और दूसरी वाली आइटम कौन सी आपको? इसमें भी गोदरे का होगा, मिक्स मिक्स पापड़ी। काफ़ी बढ़िया पापड़ी। पापड़ी किस चीज़ की बनाई आपने? हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते सर जी, आपका नाम? हमारा नाम अमरजीत कौर, हम पंजाब से आए हैं, बरनाला से आए हैं। अच्छा, पंजाब से आए जी। ये जो हमारा गोलगप्पा है, ये कंगनी का बना हुआ है। ये पापड़ी है, ये भी कंगनी की है। ये दही भल्ला, ये भी कंगनी का। जो हमारी टिक्की बनी है वो कोदरे की है। कोदरे की लस्सी भी बनी है, कंगनी की खीर बनी है, कोदरे का हलवा बना। अब पंजाबी जो हमारी थाली रखी है उसमें कोदरे की खाना रोटी दिखाएंगे आप? पंजाबी थाली अगर बन गया अभी? अभी नहीं, जब अभी बना, टाइम पे ही रेडी करते हैं हम पंजाबी थाली। कैसा लग रहा है यहाँ पे मिलेट? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले भी हमने मिलेट वाला लगाया है? मिलेट वाला हमने काफी जगह लगाया है सर जी। तो आप हमारा जो है, हम खेती विरासत मिशन से काम करते हैं, उसी में जहाँ पर भी हमारा सेमिनार होता है वहाँ हम उसी जगह ही भोजन का रखते हैं, तो लोगों को दस्ते भी हैं, खिलाते भी हैं। इसलिए और कंगनी का ही आपका पूरी डिशेस जी जी जी। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। नंबर है 9877543671। एक बार दोबारा से। 9877543671। से बैजनाथ सुनपुर। बैजनाथ से आप महिलाएं हैं? हमने सात महिलाएं।
7 महीने। तो आपने कौन कौन सी आइटम रखी? आपका नाम? मेरा नाम सकीना देवी है। कैसा लग रहा है मेले में? बहुत अच्छा। बबीता देवी तो नाम ही होता है। सुनीता कुमार। तो मेला फर्स्ट टाइम पे लगा रही हो कि इससे पहले? नहीं, हमने इससे पहले भी लगाया है। मिलेट वाले शिमला में लगाया, जैसे हमने शिमला वाला भी लगाया। वो काफी बढ़िया है। कंगनी का पुलाव बना, ये है खीर। खीर ये वाली खीर है। हाँ जी। खीर आपने क्या क्या इसमें? कंगनी की खीर है। इसमें कंगनी की खीर है। हाँ जी। तो इसमें आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह? हाँ जी, सब कुछ डाले हैं इसमें। अभी ये दूसरी वाली आइटम, ये सिड्डू है। सिड्डू आपका एक कोदे का आटा? कोदे का आटा जी। और ये तीसरा आपका? मंडल का आटा, मंडल का आटे का सिड्डू है। मोमोज है। अच्छा, मोमोज है। हाँ जी। और ये इसमें मटके में क्या है? इसमें चटनी है, हरी चटनी। और ये चाट? और चाट है। ये चाट में क्या क्या डाला? इसमें बाजरा और मिलेट, मटर। मिलेट? हाँ जी। और इसमें मूंग, खीरा, प्याज, सब। ये सभी चीजों का मिश्रण है। हाँ जी, जितनी भी सारी चीजें। और ये मोमोज के लिए चटनी है। चटनी में क्या क्या यूज किया? इसमें चटनी में हमने टमाटर, लहसुन और सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च काफी बढ़िया। अभी तो मुझे सुगंध भी आ रही है इसकी। काफी और क्या मैसेज है आगे भी? ठंडाई में कंगनी बनाई। लस्सी डाली है। दिखाएंगे दोबारा। लस्सी डाली है इसमें। अच्छा, लस्सी डाली। गर्मी को दूर बनाने के लिए काफी बढ़िया। इडली है, कोदे की इडली। इडली किसी रागी की? रागी की। रागी की तो कैसी होती है टेस्ट में? अच्छी होती है। अच्छी होती है। जैसे देखने में ये ब्लैक सी होती है, मगर खाने में बहुत टेस्टी और फाइबर की होती है। नारियल की चटनी। आप तो साउथ साइड का एक कोदी आप यहां पे। ये डोसा, ये डोसा है। ये भी रागी का। इडली, इडली डोसा। तो ये भी कंगनी का ही है। डोसा भी कंगनी का है और इडली भी। ये रागी का है। डोसा रागी का है जी। ये चटनी भी है ना? और इडली भी रागी की है। इस चटनी में आपने नारियल ही डाला है और क्या? पुदीना, मिर्च, मूंगफली भी डाली है। मूंगफली, नारियल, पुदीना और मिर्च, जैसे जो जो सामान लगता है ना। बोलना चाहते हो? हम सरकार का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहते हैं कि हम महिलाओं को हमें अच्छे स्टेशन दे रहे हैं और हमारी इनकम जो भी बढ़ रही है और हमें अच्छा लग रहा है कि महिलाओं के ऊपर वो फोक्स डाल रहे हैं काम करने के लिए भी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। महिलाओं को मैसेज, संदेश महिलाओं को, हाँ ये संदेश देना चाहते हैं। जैसे हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एनआरएलएम ने और महिला बाहर निकल रही है और आजीविका जो अपनी कमा रही है, तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। हाँ, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और इस प्लेटफॉर्म में हम धर्मशाला में कृषि विभाग वालों का बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें इतनी जगह पर हमने प्लेटफॉर्म दिया और हमें पता भी चला कि बाहर के लोग कैसे कैसे होते हैं, किस तरह होते हैं, इसके बारे में। ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी का। तो पीछे वाला जो सेक्शन था ये बैजनाथ का था और बैजनाथ में इन्होंने यार साउथ स्टाइल से भी फूड बनाया है, बट इन्होंने मिलेट का यूज़ ही किया उसमें। सारे स्टॉल लगातार मैं बताते जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट बैजनाथ वाले स्टॉल से आगे हम आ गए यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले स्टॉल पे आई थिंक। तो ये सारा स्टॉल है, अभी हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? सर मेरा नाम संदीप दत्त है, मैं BCS इंडिया से हूँ और यहाँ पे मिल्ट फूड फेस्टिवल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश द्वारा हमें बुलाया गया है। तो सारा कुछ हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, मशीनरी भी डिस्प्ले है, पावर ब्रीडर और सेल्फ प्रोपेल्ड ड्रिपर और ड्रिप इरिगेशन का ये सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। बताइए। हाँ, मैं अभी आपको बताऊँगा अपना प्रोडक्ट के बारे में। ये हमारा पावर ब्रीडर मशीन है, हिमाचल में इसको छोटा ट्रैक्टर भी कहते हैं। तो जो जैसे बैलों से जुताई करते थे, अभी बैल तो रहे नहीं और बैल पालना भी थोड़ा मुश्किल काम हो गया है और जो बड़े ट्रैक्टर हैं वो छोटे खेतों में जा नहीं पाते, छोटा ट्रैक्टर कॉस्टली भी बहुत रहता है। तो उसके लिए हमने ये मशीन तैयार की है। ये जो मशीन है इसमें 7 HP का इंजन है। 7 HP का? हाँ।
और 105 सेंटीमीटर इसकी वर्किंग विड्थ है, 105 सेंटीमीटर ये लेके एक बारी में चलती है। तो इसको लेडीज चलाए, बुजुर्ग चलाए, बच्चे चलाएं, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ईजी टू हैंडल एंड कंट्रोल है। इसमें ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस दी हुआ हमने, अगर चलते बार ये मशीन हाथ से छूट जाती है तो अपने आप बंद हो जाती है। जैसे कि सर बरसात में कई बार दिक्कत होती है खेतों में, जैसे घास आ जाती है, जी जी, तो जी उसके लिए कैसा रहे? हाँ, तो उसके लिए आप ये बीडिंग भी कर सकते हो, जैसे रोटरो डिस्टेंस वाली कोई भी क्रॉप है उसमें गुड़ाई करते हैं हम, लाइनदार फसलों में गुड़ाई करनी है, अनवांटेड ग्रास को, बीड्स को निकालना है, तो उसके लिए हम ये मशीन यूज कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल होती है, इसको कितना आपने चौड़ा या बिल्कुल इसकी विड्थ जो बढ़ानी है घटानी है, तो आप उसमें हमने अरेंजमेंट दिया है, अलग अलग ब्लेड्स हैं, उसको उसके एडजस्टमेंट से हम सेट कर सकते हैं। सेट कर सकते हैं। तो टोटल मिला के प्राइस कितना रहेगा सर? ये सर नियर अबाउट 70,000 की मशीन है, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसके ऊपर नियर अबाउट 50% सब्सिडी भी दी जाती है, 50% या मैक्सिमम अप टू 35,000 एक सीलिंग रहती है, हाँ तो उसके तक ये मिल जाती है। वैसे ये एक मशीन है, ये तो ये मल्टीपर्पज मशीन है सर, इसमें फसल की बिजाई से लेके फसल की कटाई तक, कटाई के बाद घर छोड़ने तक के सारे काम एक ही मशीन के द्वारा किए जाते हैं। और तीसरे वाली और ये जो मशीन है इसको सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, स्वचालित रीपर कहते हैं, ये आपका गेहूं, धान, जौ, जई, जो इस टाइप की ग्रेन क्रॉप है उनको ये काट के लाइन बना के ये रखती जाती है, लगभग दो घंटे में एक एकड़ फसल को काट के उसकी लाइन बना के। ये थोड़ा सा नया भी लग रहा है, तो ये आगे पहिए सर इसके बारे में भी अगर आप बोले तो मैं थोड़ा इसको चला के बता दूं। जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9464681148। एक बार दोबारा से बोलो, 9464681148। और सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो फेसबुक पे आपका नाम संदीप दत्त, संदीप दत्त के नाम, दत्त के स्पेलिंग जो DATT है, DATT, तो उसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और उसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है और इंडिया में जो उसका प्लांट है लुधियाना पंजाब में, और ऑल ओवर इंडिया हमारा डीलर नेटवर्क है। मैं अभी कंपनी के बिहाफ से यहाँ पे पार्टिसिपेशन, जैसे हिमाचल के कुछ एरिया है जी, जैसे कई जगह है कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे कैसे मतलब? नहीं सर, हमारा ऑल ओवर हिमाचल में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डीलर नेटवर्क है, डीलर नेटवर्क है। तो उन्हीं के थ्रू हम मशीन वहाँ फार्मर तक पहुँचाते हैं, और बाद में आफ्टर सेल सर्विस भी वहीं से प्रोवाइड की जाती है। तो डायरेक्टली आप पहले वहाँ पे, इवन हमारा लाहौल स्पीति, काजा और इधर किलाड़ पंगी में भी डीलर पॉइंट है जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। तो फाइनली ट्रैक्टर वाला पोर्शन हमने आपको बता दिया, तो आगे ऑर्गेनिक वे से यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो कीटनाशक चीज़ें हैं वो भी बनाई गई है, सारी ऑर्गेनिक वे से ही है, इनसे ही करते हैं पता। सुरेश कुमार, कहाँ से सर आप? मैं सर डगवार पंचायत से, गांव त्रेंबलू माटर और ब्लॉक धर्मशाला। ब्लॉक धर्मशाला, हाँ जी। तो बताइए और दिखाइए भी हमें, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है ऑर्गेनिक वे से। तो फर्स्ट स्टेप से ये सर प्राकृतिक खेती है जी जी, और ये जो हमने डेमो बनाया है अपना, थोड़ा सा पोस्टर बताएंगे आप। हाँ जी जी, ये वाला है आपका प्राकृतिक खेती, तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ही? हाँ जी जी, मतलब आत्मा विभाग जी जी। तो बताइए हमें सर फर्स्ट स्टेप से। सर हम ये जो जीवामृत है इसमें हम डालते हैं गुड़ हो गया, बेसन हो गया, देसी गाय का गूंतर, देसी गाय का गोबर, पेड़ के नीचे की मिट्टी और पानी, इसको हम फिर हिलाते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, इसको हिलाते हैं, और ये अभी गर्मी है तो 3 दिन में 4 दिन में तैयार हो जाता है। इसमें जब महक आएगी, खुशबू जैसे आएगी, कई तब बदबू बोलते हैं लेकिन बदबू हम नहीं बोलेंगे, हम इस काम कर रहे हैं, और ये जीवाणु पैदा करते हैं,
ये काफी अच्छी बात है। हाँ जी, काफी अच्छी सोच है। हाँ जी, हमें नहीं बोल रहे, हम इसको मतलब महक बोलते हैं, खुशबू बोलते हैं, मतलब क्योंकि हम इस चीज को काम कर रहे हैं तो हमें इस चीज का पता है कि इससे क्या फायदे हैं। जी सर। और दुनिया जो है वो इस चीज को काफी मतलब अभी हिमाचल में मतलब काफी इस चीज को मतलब इस्तेमाल कर रही है और ट्रेनिंग भी ले रही है और काफी चला हुआ है। आत्मा विभाग वाले गांव-गांव में जाके अपना ट्रेनिंग देते हैं और मेरे पास जो है मतलब मैं मास्टर ट्रेनर हूँ और मेरे पास एक अगली पंचायत है, जगवार पंचायत है, जगवार पंचायत का मैं हूँ और शुक्र पंचायत है। इन तीनों पंचायतों का मतलब मैं ट्रेनिंग दुआता हूँ। अच्छा, हमारे अपना चंद्र सर जी हैं, अपना बीटीएम सर और एटीएम भी हैं शिखा जी, एक नए मैडम आए उनका नाम नहीं मेरे को मालूम, तो ये पालमपुर से जो हमारे बड़े मतलब जो दफ्तर है वहाँ आत्मा का, तो वो आके यहाँ पे डेमो देते हैं और बीज वगैरह जो है पूरे मतलब जो है हमें लेडीज़ को मतलब आते हैं देते हैं और सभी मतलब फ्री में सब हर चीज़ जो है ये डेमो लगाने के लिए देते हैं। तो कोई भी चीज़ है हम गहन जीवा मृत है, इसमें हम डालते हैं ये वो जो खाद है वो लिक्विड है और ये सूखी खाद है। ये सूखी खाद। हाँ जी, सूखी खाद में क्या मिश्रण रहते हैं? सूखी खाद है ये 6 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये लिक्विड खाद है तो ये आप 10 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करनी होती है, उसके बाद ये जो इसके जीवाणु जो है खत्म हो जाते हैं और इसके जीवाणु जो है 6 महीने तक जो है जीवित रहते हैं। इसमें आप क्या क्या मिलाते हो? इसमें सर देसी गाय का गोबर है, देसी गाय का गुंतर है और गुड़ है, बेसन है और पेड़ के नीचे की मिट्टी। पेड़ के नीचे की मिट्टी इसलिए डालते हैं कि इसमें जीवाणु होते हैं, खेत की मिट्टी नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें स्प्रे करते हैं कोई कुछ करता है, तो इसलिए हम जो है ये पेड़ के नीचे की मिट्टी लेते हैं। तो गुड़ बेसन डालते हैं जीवाणुओं का खाना, जीवाणु जो आएंगे तो उनको खाना भी चाहिए, तो गुड़ बेसन डालते हैं हम उनको खाने के लिए, तो इसलिए हम ये तैयार कर रहे हैं। कोई भी ये चीज़ें जो है अभी सब्जियाँ जो है हम ये इसी चीज़ से तैयार कर रही है, अपना प्याज है, देसी लहसुन है, फ्रांस बीन है, ये अवली फ्रांस बीन है और ये देसी प्याज, सब कुछ ये देसी है, सब कुछ ये मॉडल तैयार किया हुआ है, मल्चिंग करी हुई है और पूरा ये मिट्टी में सर ये जो उर्वरक है ये आप यही जीवा वाला मिलाते हो, जीवामृत, और सूखी मिट्टी में वो ड्राई वाली भी इसी में करते हो? हाँ जी, अरे हमारे चंद्र सर जी आगे हैं, ये एक पास में खड़े सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार है, मैं विकासखंड धर्मशाला में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आज हमने यहाँ पे प्राकृतिक खेती के ऊपर इस मिलेट फूड फेस्टिवल में हमने ये अपना मॉडल लगाया है, तो इसमें मॉडल लगाने का हमारा मेन मकसद ये है कि इसमें हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हम किसान एक ही जगह से कई फसलें ले सकता है। उसमें वैसे खास इस मॉडल में ये है कि आपने इसमें देख सकते हैं कि जैसे ये भिंडी लगी है, ये साथ में बैंगन है और बीच में एक फ्रांस बीन की जो लाइन है वो हमने लगाई है, वो हमने इस करके लगाई है क्योंकि फ्रांस बीन या कोई भी दाल वाली फसल है उसमें कुदरती रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रोसेस होता है, मतलब अगर वैसे उसको अगर लोग वैसे अगर लेमन लैंग्वेज में बोलें तो इसमें हम कि यूरिया की ताकत जो होती है इसकी जड़ों में जो दाल वाली फसलें होती हैं उसमें होती है, इस वजह से हमने ये दाल वाली फसल इसमें लगाई है। वैसे ही ये मक्की लगाई है हमने, मक्की के बीच सोयाबीन है, सोयाबीन में भी की जड़ों में यूरिया की ताकत होती है, ये नाइट्रोजन फिक्स करती है अपने आप ही कुदरती तौर पे, तो उससे जो नाइट्रोजन यूरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो बाकी फसलों में भी मिल जाती है, साथ में हमारी मेन फसल जो होगी उसको भी कोई यूरिया की जाएगी। बाकी जैसे हमारे किसान सुरेश जी हैं इन्होंने बताया कि जीवामृत और घनजीवामृत के बारे में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो 21 दिन के बाद जो है वो जीवामृत का स्प्रे हम इस फसलों में कर सकते हैं और साथ में जो घनजीवामृत है वो बिजाई से लेके कटाई तक जब जब भी जो भी हमारे ऑपरेशन आते हैं जैसे बिजाई करनी है उसके बाद गुड़ाई करनी है उस टाइम भी हम घनजीवामृत का प्रयोग अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही इस प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत सरकार द्वारा और भी अनुदान पे दिए जा रहा है, जैसे ये खाद्य बनाने के लिए अभी तो हमने ये सैंपल के तौर पर जीवामृत रखा है, तो इनको खाद्य बनाने के लिए
प्लास्टिक के ड्रम्स जो 750 रुपये सब्सिडी या 75% अनुदान पे, के ऊपर भी सरकार द्वारा 25,000 सब्सिडी का अनुदान दिया जा रहा है। और साथ में ही घराल जो हमारी किसानों की जो घराल है उसका भी हमने एक सैंपल यहाँ पे हमने तैयार करके डिस्प्ले में लगाया है कि उसमें है कि काउ यूरिन को कलेक्शन के लिए वो एक उसके लिए भी अनुदान 8,000 रुपये का जो हम अपने किसानों को हम उपलब्ध कराते हैं सरकार के द्वारा। और इसके अलावा हमारे ये किसान हैं सुरेश जी, ऐसे ही धर्मशाला में हमारे और भी किसान हैं जो मतलब इसको इनसे तैयार सब्जियां हैं वो हमारे बेचते भी हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने काली गेहूँ, लाल चावल हैं, तो ये मतलब इन्होंने खुद अपने खेतों में तैयार करके, ये प्याज अभी इसी सीज़न का प्याज है जो मतलब अच्छा प्याज, हालांकि इस बार मौसम की ऐसी मतलब मार रही, मगर इन्होंने शुरू से लेके बिजाई से लेके अंत तक कटाई तक प्याज में या बाकी सब्जियों में भी जीवामृत का, घनजीवामृत का और खट्टी लस्सी का इस्तेमाल जिन्होंने अपने खेतों में किया, जिससे इनके प्याजों में जो बीमारी थी वो कम लगी। उससे कि आप खुद देख रहे हैं कि जो प्याज हैं जो इनके बहुत मतलब अच्छे हैं। तो साथ में ही अभी जो गर्मियों की फसलों के हैं वो भी इन्होंने अभी खीरा, फ्रांस बीन, भिंडी जो है वो भी इन्होंने तैयार कर ली है। इस बार मौसम ऐसा था कि जो लोग फरवरी में भिंडी लगाते थे तो मौसम ऐसा था कि इस बार की बारिशें जो है वो भी बारिश चली हुई है, तो 3 से 4 बार इनको दोबारा बिजाई करनी पड़ी भिंडी की, मगर उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि भिंडी की प्रोडक्शन इन्होंने प्राकृतिक खेती के रूप से करके तब इन्होंने इसकी प्रोडक्शन ये ले रहे हैं। और सर आपका मतलब क्या मैसेज रहेगा जो आने वाली जनरेशन है, खासकर हम जैसे यूथ के लिए, आगे मतलब खेती में क्या मतलब चीज़ें ऑर्गेनिक वे से करनी चाहिए, और अपना संदेश क्या रहेगा? संदेश सर मेरा ये रहेगा कि जो भी हमारे यंग जो हमारे जैसे जो सुरेश जी हैं इनसे भी मैं यही करता हूँ कि जो इनके आगे बच्चे हैं तो वो इनके ये तो अपने बच्चों से करा ही रहे हैं, तो हम बाकी भी जैसे और भी जैसे यही मैं संदेश देना चाहूँगा जो हमारे यंग जनरेशन हैं जो अब भाग रहे हैं, कंपनीज में भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो आपकी खेती बाड़ी है उसमें ये वाली प्राकृतिक खेती अपनाएं, जिससे हम मतलब जो खेती में ये भी फ़ायदा है कि इसमें कोई ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें बनती हैं ये बिल्कुल लो कॉस्ट पे देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और पेड़ के नीचे की मिट्टी से ये खाद बनती है जीवामृत, तो इसमें कोई भी लागत नहीं आती है ज़्यादा लगाने से। गुड़ और बेसन का ही थोड़ा सा खर्चा आता है 50-100 रुपये का, तो वो और अगर हम केमिकल से कंपेयर करें तो केमिकल में मतलब हम जो कहते हैं यूरिया और 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो खर्चा है आप खुद भी जानते हैं कि इसकी कितनी महंगी खादें जो हमारे किसान अपने खेतों में डालते हैं, और खेतों की उसे जो उर्वरता है वो भी कम होती है। तो मैं यही दूसरा आजकल हमारा ये चला है कि खुद हमारा जो स्वास्थ्य है, जो तरह तरह की बीमारियां हमें लग रही हैं, जानलेवा बीमारियां हमारे शरीरों को लग रही हैं, वो उसमें से एक कारण ये भी है कि हमारा जो खेतीबाड़ी में केमिकल का प्रयोग जो होता है उस वजह से भी हमारी जो बीमारियां हमारे शरीर में लग रही हैं, तो मतलब तो उसका विकल्प पाए जाने के लिए उसका ये विकल्प ही है कि प्राकृतिक खेती देसी तरीके से अगर हम एक खेतीबाड़ी करें तो इससे हम फसल भी हमारी अच्छी होगी और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी इससे जो है वो सुधरेगा, और हम आने वाली पीढ़ी है जो अगर वो इसमें अगर ये वाली खेती अपनाती है तो उसमें उनका रुझान भी ज़्यादा जाएगा और प्रॉफिट भी इसकी मार्केट भी हम सर्टिफिकेशन भी हम इनकी किसानों की कर रहे हैं जिससे इनको मार्केट में जाने में दिक्कत ना हो, अपना वो सर्टिफिकेट दिखा के ये अपने प्रोड्यूस को वेरीफाई करते हैं कि कर सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोड्यूस है वो नेचुरल फार्मिंग का प्रोड्यूस है। और टोटल मिला के जैसे आपसे पर्सनल सुजेशन किसी यूथ ने लेने हैं, किसी भी व्यक्ति ने लेने हैं, तो उसके लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर और वो वाला क्या? इसके लिए वैसे तो हमारा जो हम विकासखंड धर्मशाला में जो हमारा ऑफिस जो है वो सिद्धवाड़ी में है, तो उसके लिए अगर हमसे अगर अपने कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा फ़ोन नंबर है 9882100742। मेरा नाम चंदन कुमार है, तो हम कहते हैं अब इस धर्मशाला ब्लॉक के 27 पंचायतों को मतलब के अंडर कास्ट में काम करते हैं और हमने सभी पंचायतों में इसके प्राकृतिक खेती के मॉडल भी लगाए हैं और साथ में ट्रेनिंग्स भी जो मतलब हम प्राकृतिक खेती की पंचायत स्तर, गांव स्तर पर हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत।
9459078432 सुरेश कुमार हाँ जी दोबारा से अच्छा अच्छा 9459078432 सुरेश कुमार शेडो में इसलिए लगा रखा है कि बाहर से जो कीड़ा मकोड़ा आता है वो अंदर ना आ पाए, वो जो आएगा इसमें खुशबू होती है और धनिया और ये साइड में गेंदा जो भी इसमें से अंदर नहीं आ पाएगा, जो आएगा तो इसी में अंदर बैठेगा, मतलब गेंदे के ऊपर ही बैठेगा और कोई गलती से आ भी गया तो वो धनिया के ऊपर बैठ जाएगा, तो इसमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा मतलब बाकी सब्जियों में या वो किसी इसमें कोई भी चीज़ खेत में फसल में प्रोटेक्ट करते किसी भी फसल में नहीं आ। ये आपका छोटा सा शेड आ गया, शेड में गौमूत्र और जीवा अमृत और ड्रम से जो ऑर्गेनिक वे से और ये जो है ये सब्सिडियों के लिए इस चीज में सब्सिडी मिलती है। ओके सर, थैंक यू। बेसिकली इस वाले सेक्शन में हमने बहुत कुछ सीखा यार, आप भी आइए ज़रूर, आज का लास्ट डे है इसका, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर हमने इनका दे दिया है। आप यहाँ पे अलग अलग करके जो ऑर्गेनिक वे से कैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर वे से यहाँ पे चीज़ें की जाती है, जो भी फसलें उगाई जाती है वो सारी देख सकते हो और अपनी खेती में ऑर्गेनिक वे से फसलें उगा सकते हो। हालांकि अभी फर्टिलाइज़र का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट हमें ऑर्गेनिक वे से यहाँ पे फसलें उगानी चाहिए। और यहाँ पे हमने जो चीज़ें सीखी यार बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और बहुत ही काम की चीज़ें हैं। ज़रूर यहाँ पे आइए और इन ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके बारे में जानिए और इनसे सीखिए। इनका वो कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी हमने डाल दिया है, तो यहाँ पे आ सकते हो, पता कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। और एग्रो टूरिज़म का ये हमने आपको एक उदाहरण दे दिया, एग्रीकल्चर टूरिज़म का, यानी कि कैसे हमें खेत में जो फसलें हैं ऑर्गेनिक वे से यहाँ पर उगानी चाहिए। तो स्टे ट्यून विद रजत ट्रैवलॉग, अभी हम दिखाएंगे। खासकर ये जो वीडियो है वैसे पार्ट वाइज होने वाली है, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हमने यहाँ से इनसे प्राप्त भी की है, तो आगे देखते रहिए और जुड़े रहिए, हम पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जी, बताइए क्या क्या आइटम आपको रखें? अभी फूड आइटम रागी का आटा, रागी का आटा है, फॉक्सटेल मिलेट होगा जी, और ये रागी का सीड्स होगी जी, और कोदरा होगा, ये रागी का सीड्स है, रागी का, ये इसको बोलते हैं फॉक्सटेल मिलेट, जिसको कंगनी बोलते हैं, कंगनी, अच्छा कंगनी। ये सारी आइटम है आपने जो ये पूरे स्टोर में जी फोरी है, और ये ब्राउन टॉप बार्नयार्ड, ये ब्राउन टॉप है, इसको हरी कंगनी बोलते हैं, कंगनी भी है इसके भाई है। अच्छा, दो वैरायटीज है इसकी, अलग है कंगनी है, एक ब्राउन टॉप है, एक फॉक्स टेल मिलेट है, और ये नागा जो है इसको नागा जो, तो ये सीड्स है, ये रागी की सीड, रागी की सीड्स जी, ये है बार्नयार्ड जिसको सांभा बोलते हैं, सांभा जी, इसका चावल है, खीर पकाओ पकाओ जैसी बनती है, खिचड़ी बनती है, इसका जैसे दलिया वगैरह बनता है, तो ये सीऊल चंबा सीऊल, चंबा सीऊल चंबा भी मिलता है कि हिमाचल में और भी मिलता है? और भी मिलता है पर ज़्यादातर चंबा मिलती है, और ये कुल्थ चंबा की, ये क्या चीज़ है? कुल्थ है सर, दाल कुल्थन जी, और ये हनी है, ये
कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। डिपार्टमेंट की मतलब? नहीं, डिपार्टमेंट के नहीं है सर, हम यहाँ पर देखने आए हैं, प्रदर्शनी देखने आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। और क्या बताओगे यहाँ पे पौधा और आगे बहुत सारी? बहुत अच्छी है, हाँ जी हाँ जी, आगे बहुत सारी आइटम, यहाँ बहुत सारी आइटम है। हाँ जी नमस्कार जी, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे अलग अलग आइटम रखे हुए? नहीं बहुत अच्छा है, मिलेट मिलेट और जो ऑर्गेनिक है जितने भी है, अभी सेहत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, हमें भी बस जागरूक हो रहे हैं, हम भी बस आटा छोड़ के बस मिलेट के ऊपर चढ़ने जा रहे हैं ना, जहाँ तो जहाँ है। धर्मशाला में फर्स्ट टाइम के करवाए? फर्स्ट टाइम है हाँ, बस आते वक्त पोस्टर देख ले, फिर आगे भी देखकर कोई कुछ नया कुछ मिलेंगे। सडनली आ गए हाँ जी, वैसे पोस्टर देखा था मैंने। और आपको कैसा लगा? आपका नाम? अंजिंदु। कैसा लगा? अच्छा है सब। तो ये भी मिलेट वाला है, बट खास बात यह है कि और जगह जो है बनाए गए थे प्रोडक्ट, तो मिलेट जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है दूसरे लेवल पे, अगर आपने खरीदना हो और चीज़ें बनानी हो। And we are also associated with this network, HIMRRA, Himachal Pradesh Revitalizing Rainfed Agriculture Network. It's a network of organizations, individuals, researchers, bureaucrats who are interested in, you know, हेलो सर, कैसे हैं? सर मेरा नाम रजत राठौर है, मैं कम्युनिटी मोबिलाइजर हूँ। बेसिकली चंबा से? चंबा से हैं सर। चंबा में कौन सी जगह? सर हम तिहार सलोनी ब्लॉक से हैं, होलिस्टिक हिमालय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, होलिस्टिक हिमालय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। अच्छा, वही भांदल? भांदल तिहार में है सर, बेसिकली तिहार। तो कौन कौन सी आइटम यहाँ पे मुझे लग रही है? जी जी, ये हमारे तीन तरह के बेसिक मिलेट है, ये वाइट कोडो है, ये सर हम रिटॉर्ट प्रोसेस से इसको कुक करते हैं, इस पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इसको कुक किया जाता है, जिससे कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है 6 महीने तक बढ़ जाती है। इसको आप कैसे भी स्टोर कर सकते हैं, चाहे बाहर रखिए चाहे फ्रिज में रखिए, 6 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। वैसे ही ये सारे प्रोडक्ट जो हमारे रिटॉर्टेड है, ये हमारा फॉक्सटेल मिलेट है, फॉक्सटेल ये रागी है, ये सर हमारा राजमा का राजमा जी, देसी राजमा है, ये भी रिटॉर्ट के हुआ है। सर ये हमारे पहाड़ों में मिलते हैं छोटे राजमा बोलते हैं इसको, देसी राजमा। टोटल अमाउंट का? टोटल अमाउंट मैंने ये एक बार का ऑर्डर है। आप वहीं पे करते हैं देसी चंबा में? जो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसमें 300 जो है वुमेन शेयर होल्डर है हमारे, और जो हमारे शेयर होल्डर हैं, और 2500 जो है हमारे मेम्बर्स हैं वुमेन फार्मर जो हमारे साथ काम करते हैं। हमारी प्रोसेसिंग यूनिट भी वहीं पे, ये जो भी हमारे एसेंशियल ऑयल हैं जैसे ये वहीं पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, एडिबल एसेंशियल ऑयल है हमारे, तो ये भी हम वहीं पे बनाते हैं सब कुछ, और जो रिटॉर्ट करते हैं हम वहीं पे करते हैं, जो हम बिहार में हिमाचल में आपके टोटल मिला चंबा में? चंबा में एम्प्लॉइज कितने आपके? सर अभी तो हमारे 6 से 7 एम्प्लॉय हैं, 2 मेल हैं हम इसमें, ये हमारे CEO हैं। हेलो सर, हाय नमस्कार। नमस्कार जी, हम रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, और हमारी जो मेंटरशिप है ये पंजाब यूनिवर्सिटी से और RCSC जोगिंदर नगर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से, वहाँ से हुई है। हमारा एक स्टार्टअप भी है जो हर्बल वाइन की अप्रूवल है, हमें मिनिस्ट्री आयुष से मिली हुई है, तो उस पर हम कुछ काम कर रहे हैं। तो रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे ये गुच्छी है, ये कुक्ड गुच्छी है, इसकी शेल्फ लाइफ जो है ये 6 महीने से 18 महीने तक, अगर आप इसको ओपन नहीं करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको जो है सेम डे इसको कंज्यूम करना है। तो हमारा जो एजेंडा है, हमारे पंच लाइन भी ये है हमारी कंपनी की, हील द वर्ल्ड। हम हिमालयन रीजन से निकलने वाली जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उनको यूज़ करके
जितने भी हीलिंग के एस्पेक्ट्स हैं उनको एड्रेस कर पाएँ, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन हैं उनको हील कर पाएँ। जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है एंजेलिका ग्लूओ का चूरा, ये पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक कर देता है। ये है चिरायता, चिरायता का एक्सट्रैक्ट है, चिरायता जो है इम्यूनिटी बूस्टर होता है। ये है चुकरी, रेयम ऑस्ट्रेल और हिमालयन रुबाब भी कहते हैं इसको, ये जितनी भी इंटरनल इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है, और ब्लड प्योरीफाइंग एजेंट भी है। ये बेल का एक्सट्रैक्ट है, बेल अगेन पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये नागछत्री का एक्सट्रैक्ट है, नागछत्री का एक्सट्रैक्ट जितनी भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। ये नेचुरल स्टेरॉइड होता है, बॉडी की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। ये जटामांसी का एक्सट्रैक्ट है, ये न्यूरोटॉनिक है, स्ट्रेस एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स को ठीक करता है। बाकी ये कुछ एसेंशियल ऑयल हैं, ये शिलाजीत जामुन सीड है, ये एंटी डायबिटिक है, ये शिलाजीत ब्रह्मी है, ये न्यूरोटॉनिक है, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, छोटे बच्चे हैं पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है या भूल जाते हैं चीज़ें, तो एक एक ड्रॉप जो है इन सभी जितने भी एसेंशियल ऑयल हैं इनकी एक एक ड्रॉप जो है ये पानी में डाल करके बच्चों को पिलाएंगे तो उनका ध्यान ज़्यादा लगता है। ये हमारा जो सबसे एलीट प्रोडक्ट है गुच्छी का एक्सट्रैक्ट, ये बॉटल कॉस्ट करती है 4,950 रुपये की। ये देखिए गुच्छी जो है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, गुच्छी की जो सबसे लोअर क्वालिटी है वो 6-7 हज़ार रुपये किलो है, और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है ग्रेडिंग करके वो 40,000 रुपये किलो है रिटेल प्राइस। सो ये उसका एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। जैसे ये मिंट ऑयल है या लेवेंडर ऑयल है, ये एक क्विंटल लेवेंडर जो लेमन ग्रास है के घास से 1 किलो तेल निकलता है। वैसे ही जो ये गुच्छी है, गुच्छी की यील्ड भी जो है वो 10% से कम रहती है, कि मतलब अगर आप जो है एक क्विंटल गुच्छी लेकर के आ रहे हैं तो एक क्विंटल गुच्छी का जो है वो 5 से लेके 10 किलो के बीच में कहीं एक्सट्रैक्ट नहीं पता है, तो इसीलिए इतना महंगा बनता है। ये पोडोफाइलम एक्सेंड्रम है, ये बॉडी के जितने भी डेड सेल्स हैं उनको रिमूव कर देता है, जितने भी वॉट होते हैं जेनाइटल वॉट या किसी भी तरह का वॉट जो होता है उसको ठीक कर देता है। ये एंटी कैंसरस भी होता है, एज अ कॉस्मेटिक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ आयुष आहार, आयुष आहार ऑर्गेनिकली, ये सभी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, सभी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है। तो ये तीन जो बेसिक मिलेट थे हमारे पास, ये रागी है, कोडो मिलेट है और फॉक्सटेल मिलेट है, उसकी हमने ये फर्दर रेसिपीज बनाई है, आपने बताया ये फर्दर रेसिपीज बनाई है। ओके सर, थैंक यू सो मच, हैप्पी हीलिंग, हील द वर्ल्ड। योर कॉन्टैक्ट नंबर या 8427387505, कैन यू रिपीट, 8427387505। हैप्पी हीलिंग, हील द वर्ल्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पीछे वाला स्टॉल था हर्बल मेडिसिन वाला, जिसमें अलग अलग ऑयल से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन है, चाहे वो बात की जाए सर दर्द या कुछ भी, उसमें ज़्यादातर वैसे जो पहाड़ी मशरूम जिसे गुच्छी बोला जाता है उसका यूजेस जो है मतलब वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली था, और उसके बाद देन अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट में, तो आज बहुत कुछ यार सीखने को मिल रहा है, नेक्स्ट स्टॉल में ही करते हैं हम बात। हाय मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, आपका नाम? सर मेरा नाम ऋषु कुमारी है। तो बताइए अपने जो भी प्रोडक्ट, पहले आप बताइए कहाँ से हो आप? सर मैं जमानाबाद से हूँ, कांगड़ा, ब्लॉक कांगड़ा जी। सर मेरे पास आपको रागी का सीरा मिल सकता है, खाएंगे भी साथ साथ। ये खिचड़ी है रागी की जी सर, और कोदरे की चाय अभी बन रही है, अभी बनाया नहीं है उसको मैंने जी सर। ये पानी उबाला जी सर, और इस वक्त आप देख सकते हो ये हमारे पास रेड राइस है जी सर, ये केमिकल फ्री है। तो ये जमानाबाद में जी सर, ये हमारे घर का लोकल है ये जी सर, और बाकी ये हमारे समूह में 4 बनाते हैं हम लेडीज, 10 लेडीज है। तो अभी आपके कितने मेंबर, कितने इस ग्रुप में? इस वक्त हमारे पास अभी तो मैं ही हूँ इस वक्त यहाँ पर, बाकी घर पे है 9, वो ये काम करते हैं हम इकट्ठा होके जी सर। और ये आपने पॉट रखा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसके बारे में जी सर। ये पानी पीने के लिए रखा है, जैसे लोग या बच्चे आते हैं कहते हैं कि पानी है पीने के लिए कि नहीं है, तो उनके लिए रखा हुआ ये जी सर। और अचार की वैरायटीज तो आपने अलग अलग जी सर, इस वक्त आपको आंवला कैंडी मिलेगी, ये देसी आंवला है, और फ्रेश आम का अचार है, नींबू का अचार है, मिक्स अचार है, बांस का अचार है, करेले का अचार, भरमा मिक्स मिल जाएगी। एक बार हमें इसकी प्रोसेसिंग, मेकिंग प्रोसेस मतलब कैसे कैसे आप अचार जो है पहले से पहले स्टेप से लेकर जी सर, जैसे मतलब हमारे जहाँ जमानाबाद है वहाँ पर काफ़ी सब्जियाँ होती है, तो जैसे सब्जियों का रेट कम होता हम उसे इकट्ठा करके सभी 10 की 10 लेडीज उसको इकट्ठा करके हम 4 बनाते हैं, जैसे 4 बनाएंगे उसकी पैकिंग कुकिंग सब कुछ रहेगा, और अच्छे दाम पर ये सेल हो जाता है जी सर। तो कैसा लग रहा है महिलाओं को प्रोत्साहन? सर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि महिलाओं को मैं तो ये कहती हूँ कि घर से बाहर निकलना चाहिए और अपने पैरों पर
खड़े होना चाहिए सारे आपके प्रोडक्ट जी सर। तो मिलेट आपने पहले भी लगाए इससे पहले जी सर? पहले भी लगाए मैंने, पहली बार मैं जम्मू गई थी, थोड़ा मतलब अकेली लेडीज़ गई थी तो थोड़ा डर भी था, लेकिन वहाँ पर लेडीज को देख कर मतलब बहुत शक्ति भी आई और अब आगे से आगे मतलब बढ़ने के लिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? कल्पना दीमान। कल्पना दीमान। तो नवजीवन फाउंडेशन से? हाँ जी। तो ये फाउंडेशन आप मतलब कहाँ पे लोकेशन पे? धर्मशाला से। तो बताइए इसके बारे में। इसमें नवजीवन फाउंडेशन से हमने सुधीर शर्मा जी की ओर से लगाया हुआ है दाढ़ी में, तो ये औरतों के लिए बड़ा अच्छा मौका है उन्होंने दिया हुआ है कि जो औरतें हैं वो अपनी जीविका कमा सकती हैं, अपने घर का जो सामान बनाया हुआ है उसको दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और एक ये भी है कि थोड़ा हटके है, घर से हटके है, जो लेडीज़ जान पहचान बना लेती है और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकती है। आई थिंक आपको मैंने डिस्टर्ब किया, आप लंच कर रहे हो मेरे साथ, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया मतलब फर्स्ट टाइम पे ही लग रहा है मुझे तो, फर्स्ट टाइम पे लगा रहे हो आप, इससे पहले भी लगाते हो? तो इसमें आपके टॉपिक क्या है? लाइवलीहुड, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, तो सारे ये टॉपिक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो नेक्स्ट वाला ग्रुप पीछे वाला, आई थिंक ये वाला ग्रुप था संजीवनी वाला फाउंडेशन वाला, और ये वाला भी अच्छा फाउंडेशन वाले ही है सारे के सारे ही है ना। तो सारे तो देख सकते हो यार, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे काम कर रही है और अपने पाँव के ऊपर खुद खड़ी हो रही है, यही एक नारी शक्ति का जो है उदाहरण भी है साथ ही साथ। तो करते हैं इनसे बात। नमस्ते मैम। नमस्ते आप सभी को सबसे पहले। तो आपका फर्स्ट टाइम हो गए शायद कांगड़ा ये पूरे स्टॉल वाले का, तो क्या क्या आपने यहाँ पे बनाया है और एक एक करके बताएंगे? शुगर फ्री के लिए चावल रखे हैं, राइस है, कल्पना देव यहीं से, हाँ जी धर्मशाला से, रेशमा, अनीता, सबिता, मोनिका। तो बताइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैम ये हमारे यहाँ रेड राइस है, ये रेड राइस, ये कैमोमाइल टी है, इसमें ये खुशबू के लिए हमने फूल डाले हुए हैं और इसे कैंडल बनाई हुई है हमारे सर। कैंडल ये कैसे कैसे बनाई है? ये तो हमारे ना बगली का ग्रुप, दूसरा ग्रुप बनाता है ना जी जी, दूसरा वाला, हाँ जी जी। और ये बैसलीन भी उन्होंने बनाई हुई है उन्होंने, हाँ ओके। और ये मेदेसी मेथी है जो हमारे यहाँ खेतों में होती है, खेतों में होती है। और ये कड़वी सौंफ है, ये भी हमारी जी। और ये कैमोमाइल टी है जो बरवाला में लगा हुआ है तृप्ता के घर में ना जी। और ये रेड राइस है, ये भी बरवाला में है, हमारी उस लेडीज ने तैयार किए हुए हैं रेड राइस। और ये मूंग दाल की बड़ी है जी, ये सेपू बड़ी है, ये हमारे वहाँ भी काफी यूज होती है, हाँ जी ये मंडी की है ना वैसे। और ये माँ दाल की है बड़ी, माँ दाल की। और ये है चावल की फुल बड़ी है, चावल की फुल बड़ी, फुल बड़ी है जी। और ये चिप्स है, इसको क्या चावल में इसको ना ऐसे खाते नहीं है, चावल होते हैं, चावल को पीस के बनाई जाती है, इसमें नमक और जीरा डाल के ना, नमक और जीरा, जीरा और चावल मतलब पीसते हैं, पीसते हैं, पीसते हैं चावल का आटा, आटा नमक। और ये चिप्स हैं, चिप्स आलू चिप्स हैं, आलू चिप्स हैं, ये भी आप फ्राई करने होते हैं, फ्राई फ्राई फ्राई। और ये सीरा है, ये सीरा है, ये वाला सीरा, इसकी भी बहुत ज्यादा याद आ गई एक्चुअली, घर में भी मदर जो है काफी ज्यादा इसको काफी दिनों के बाद देखा और बरसात में काफी आटे की सही है जी, ये आटे की सही है, कनक के आटे की सही है। इसको कैसे बनाते, जैसे आटा मोमोज वो चाउमीन वगैरह बनाते हैं वैसे, वैसे मशीन होती है इस पे यूज करते हैं हम, वैसे ही करते हैं। और होममेड सांभर, हर्बल सूप, आंवला कैंडी, आंवला कैंडी, आंवला कैंडी जी। और इसके आगे आपने बता दी, और जी बता दिया, ये साबुन बता दी मैंने, हर्बल शॉप है ये, और ये कॉफी पाउडर है ये, हाँ ये कॉफी पाउडर जी। और ये देसी हल्दी, ये पाउडर है, इसमें क्या क्या मिला है? ये भी हमारे ग्रुप की लेडीज को तैयार ट्रेनिंग दी हुई है सर ना, मेरा अलग ग्रुप मतलब काम करते अपने अपने काम से, ये हल्दी है देसी ना। और मैम आप बता रहे थे इसकी, तो मुझे काफी ज्यादा याद आ गई, आप लेके जाओ सर, बरसात में काफी याद आई, लेके जाओ याद की तुम्हें खा ही लेना, फिर याद आ जाएगी आपको। नहीं वैसे सारे प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं पर इसकी खास कर,
ये वाला, ये ऊपर मिलती है पहाड़ों में, लिंगड़ लिंगड़ बोलते हैं, लिंगड़ लिंगड़ लुंगड़ हां तो लिंगड़ बोलते हैं, जैसे लोग लिंगड़ होता है अपनी अपनी भाषा में, ये लुंगड़ बोलते हैं, लिंगड़ बोलते हैं, खसरौड़ बोलते हैं, लहसुन भी देसी है, लहसुन ऑर्गेनिक वे से ही आप, और ये खुद हाथों से बनाए हैं, इसमें धागा लगाया, खुद पूरा खुद किया है, और प्राइस तो मैं पूछने भूल गया, क्या क्या प्राइस रहते हैं, ये 350 का है, 450 का है, और ये 15 का है, और ये 100 का है। अच्छा, ये वाली आइटम तो मैंने की नहीं, ये गुलजी 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 इसका हलवा होता है, आई थिंक इसका भी नहीं, हलवा नहीं होता, काढ़ा बनता है इसका, काढ़ा कोरोना काल में ज्यादा चला था, अच्छा ये काफी बढ़िया, बस इसी तरह काम करते रहिए, हर मेले अटेंड कीजिए, नमस्ते मैम, नमस्ते सर, हाउ आर यू सर, फाइन मैम, आप बताइए आपका नाम, मैम सर माय नेम इज निशा गुरु, निशा गुरु, सो बताइए, यू कैन सी द डिश ओवर हियर, दिस इज मोमो, मोमो स्पेशलिटी ऑफ गोरखा जी, दिस इज गुलगुले, स्वीट गुलगुले, एंड इट इज द सेम थिंग, एंड दिस इज चटनी, मोमो चटनी, टोमेटो, टोमेटो पुदीना, एंड दिस मोमो लगे खोलो तो मोमो को दे, दिखा दिखा जी, मोमो दिस गोरखाली चटनी, नेपाली चटनी, या इट्स वेरी फेमस ओवर हियर, can you tell me please about the varieties of this type of varieties used in varieties till potato salt and after that chili, chili and after that you have fry with lemon lemon this methi okay. and mustard oil mustard oil what are these things and it becomes very yummy and it's Soya. Famous all over it seems it can be seen and yeah. you can have it also okay. so kitchen mein dekhna hamara kitchen kitchen hai kitchen side na पकोड़े देख लो एंड यस यस वी आर मेकिंग पकोड़ास पकोड़ास पोटैटो चिली आई इनको लगे सफाई सफाई बहुत है पहले चिली वाओ वाओ इट्स सो यम्मी इट्स सो यम्मी देखो सर इफ यू वांट टू हैव समथिंग चाय नो टेस्ट योर टेन प्लीज ओवर हियर एज यू वांट टू इफ यू वांट टू हैव टी यू कुड लाइक टू हैव टी या या आई लाइक टी बट सर जिंजर टी जिंजर टी ये मेरा खींच लो पकोड़े बना रही हूं आंटी तुम्हारी पकोड़ा में कौन कौन सी चीजें आपने यूज की इसमें बेसन साग मेथी हल्दी मिर्च और ये जो ग्रीन चिल्ली ओनियन पोटैटो अलग अलग डिफरेंट पोटैटो चिली ऑनियन मस्टर्ड ऑयल और डिलीशियस एंड यमी हाइजीनिक फ्री खुलाई दो ना खुलाई दो यू वांट यू वांट टू हैव पकोड़ा सो चाय टी एनी समथिंग लाइक दैट ओके थैंक यू मैम हाउ डू यू फील नाउ कांगड़ा वैली कार्निवल इट इज वेरी वेरी रियली एंजॉयबल बिकॉज़ बीइंग अ हाउसवाइफ वी आर ऑलवेज एट होम doing household works but today we got the chance 4 days and we are really enjoying ourselves this is just because of Shagun ma'am and all Shagun ma'am this is your first millet festival yes sir this is the first thing and being a counselor I am also appointed over here and we really enjoyed it and we are very thankful to Shagun ma'am Sudhi sir because of them we got such a great chance thank you ma'am thank you so much sir have a nice day and all the best for you all thank you sir taste kariye sir taste kariye na